निक्का मूं मेरा वड्डी गल तेरी किवें महिमा मैं तेरी महान आखां जीव एक मेरी गुण अनेक तेरे केड़ी केड़ी मैं तेरी दास्तानी आखां। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं गुरविंदर सिंह सिख नैशनल कॉलेज कादियां दा बीए दा विद्यार्थी श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी संबंधी अपने विचार पेश करन जा रहा हाँ। परमात्मा की साजी इस कायनात विच सब कुछ बहुत ही सोहना है, जिसनू देखने नाल रूह खुश हो जाती है ते मन होर ही सुपने विच उड़ारियां मारन लग पैंदा है। परमात्मा की साजी इस कायनात विच सब तो वधिया ते समझदार जीव केवल मनुख नूं ही मन्निया गया है, जिस कोल सोचन समझन ते हर काम करन दी अकल है। पर जद इंसानियत हवानियत का रूप धारण कर लैंदी है तो उस हवानियत नूं ठल पाउण दे लई कोई ना कोई महान शख्सियत जरूर अवतार धारदी है। फकरे कौम कुछ खास इंसान होते हैं जे वो हीरे है जो हर खान से निकला नहीं करते। सिख कौम दा हर पन्ना शहीदां मरजीवड़ियां महान परोपकारियां अते धर्मियां दे पवित्र खून नाल लिखिया होया है। इन्हां शहीदां सिंघां सिंघणियां अते पुचंगियां ने अपने धर्म अन्न धर्म देश अते मनुखी अधिकारां दी राखी दे लई कुरबानी दे के इतिहास दा रुख मोड़ दिता। अजिहे ही सन हिंद दी चादर शांति दे पुंज साधु बिरती दे मालक कुरबानी दे पुतले साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी। साहीन हिंद जेड़ी हो रही सी देखे साहे अपने साह पा गया ओ सिर लत जोधे जी दे बने राही ऐसा राह अनोखा बना गया ओ सारे देश नू ठंडड़ी वा आवे बन रहमतां दा बदल वसिया ओ पुल्ले हासे मजलूमा दे रहन सदा मौत वेख के सामने हसिया ओ। ये उस समय दी दास्तान है जद औरंगजेब ने हिंदू धर्म उपर सख्ती कीती हुई सी, हिंदुआं नू जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा सी। इसलिए पंडित कृपा राम दी अगवाही हेठ 16 कश्मीरी ब्राह्मणा दा एक वफद श्री आनंदपुर साहिब पुजा। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने उहनां दे दुख नू बड़ी हमदर्दी नाल सुनिया अते फरमाया कि अजिही स्थिति दे विच किसी महान व्यक्ति दे बलिदान दी लोड़ है। तां पास बैठे बाल गोबिंद राय जी ने कहा कि पिता जी तुहाडे तो महान व्यक्ति कौन हो सकता है। बाल गोबिंद राय जी दे कहन ते गुरु जी ने कुरबानी दे के औरंगजेब दे जुलम नूं ठल पाउणा सही समझिया। खून गर्म रहे बाजवान ते अरशां च उड़दे रहन ख्याल तेरे, जे तू कटे तां दूज दा चन्न होवे, जे तू वधे तां वधन इकबाल तेरे। सिखां समेत श्री गुरु तेग बहादुर जी मजलूमां दी राखी लई अते जुलम नूं ठल पाउण दे लई रवाना हो गए। गुरु जी दे विचार सन कि जेकर जुलम नूं ठल पाउण दे लई शरीर मिट जावे तां इसने तां इक दिन मिट ही जाना है। इस तरह गुरु जी तो पहला तीन प्यारे सिख शहीद अपना सिखी सिदक निभाउंदे होए दिल्ली विखे शहीद हो गए। जिन्हां नैणां ने करे दीदार तेरे ओ झुके नहीं कदे जालमां तों, जिन्हां कन्नां ने सुन ले बोल तेरे ओ घबराए नहीं कदे मारां तों। ओ जवानियां मौतों नहीं डरियां जो एक वार तैनूं छो गईयां, तेरी याद च लिखियां नमजां जो अज ओ भी अणखी हो गईयां। इस तो बाद आप जी नूं अकै अते असह कष्ट दे के सीस धड़ तो अलग करके शहीद कर दिता गया। यह घटना 1675 ईस्वी दी है। अखां सामने सिख शहीद होए, हिंद दे ना उम्मीद होए, तुसी मन ते सट सहारी गए, मुखो बाणी मदर उचारी गए, तुहाडे रोम रोम रब वसिया सी, होर फिरदे सी इंसान डरे, तुसी गुरु पुत्र गुरु पिता की कलम मिली गुणगान करे। गुरु जी दी लसानी गुरबानी अज सानू जुलम दा टाकरा करन अते मजलूमां दी रक्षा करन दी सिख्या दिंदी है। पर अज दे नौजवान चर्ट ते खंडा सिर ते टोपी कहिंदे प्राउड टू बी खालसा, पर मत होई खोटी मन विकारां नाल भरिया, बाजार दे हर मोड़ ते किते ना किते धोखा हो रहा है। खालसे दा मतलब तां शुद्ध है, इह तां नां दे ही खालसे बणे बैठे हन। सो लोड़ है अज सानू अपनी सोच नूं बदलन दी अते सिखां शहीदां दी कुरबानी नूं याद रखन दी, क्योंकि अज कई लोग अपने इतिहास तो ही वाकिफ नहीं हन। किसी दे आसरे बैठन नाल कुछ नहीं जे होना, जो कुछ भी सुधार करना है आप ही करना पवेगा। बस तूफाना ते इल्जाम है बेड़ी नूं डोबन दा, कदे मलाह दी नीयत वी परख विचारांगे। किते सेरी नाल हथ जावे असी सिर ही बदल दिता, कद डरपोकता दे वस्त्र जिस्म तो उतारांगे। किसे दे लारियां ने साडा की सवारना, जिंदगी है खुद दी खुद ही सवारांगे। सो अंत विच मैं खिमा दा जाचका, जे कोई गलती होई होवे तां माफ करना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।